Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूँ आपका प्रेजेंटर प्रसन्न साहिर और आप देख रहे हैं साहिर उमर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सब दोस्तों को शुक्रिया कहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को विजिट किया और जो आज का मेरा प्रोग्राम है वो है आज की पहल। एक बहुत ही अच्छे बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ आज की पहल। तो पहली पूछने से पहले न्यू कमर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज की पहली कुछ यूँ है कि एक शख्स होता है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आम का दरख्त होता और तीन बच्चे होते हैं। तो मरते मरते उस आम के दरख्त को इनहेरिट कर जाता है अपने बच्चों को और वसीयत करता है कि बच्चों इस आम के फल को बराबर हिस्सों में तकसीम करो। तो दोस्तों आम लगते हैं पेड़ पर, तो एक बच्चा जो होता है वो छोटा सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो एंट्री मारता है और वो देखता है कि आम के नीचे कुछ मतलब पेड़ के नीचे कुछ आम पड़े हैं। वो चूंकि नादान होता है इतना ज़्यादा समझदार नहीं होता तो वो क्या करता है, वो देखता है और वो जानता है कि मैंने अपने हिस्से के आम लेने, ईमानदार होता है तो वो अपने हिस्से के आम लेता है और उठाकर निकल जाता है। उसके बाद उसका दूसरा भाई आता है, दूसरा भाई उससे थोड़ा सा बड़ा यानी कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा समझदार और थोड़ा सा कम भी हो, वो क्या करता है वो आम देखता है। अब ये होते हैं बकिया आम यानी कि वो अपना हिस्सा लेकर निकल चुका होता है और बकिया जो आम होते हैं वो भाई देखता है, उसे पता नहीं होता कि उसका छोटा भाई जो है वो अपना हिस्सा लेकर जा चुका है। वो क्या करता है वो उन आमों के तीन हिस्से करता है, उन आमों के तीन हिस्से करता है और एक हिस्सा एक आम जो होता है वो इजाफी होता है। तो वो चूँकि थोड़ा सा समझदार होता है, कम बेवकूफ़ होता है, कम नादान होता है तो वो जो एक्स्ट्रा आम होता है वो अपने हिस्से में डालता है और अपना हिस्सा और वो एक इजाफी आम लेकर चला जाता है। उसके बाद तीसरा भाई आता है, बड़ा भाई होता है, समझदार होता है तो क्या करता है वो देखता है कि आम के नीचे मतलब पेड़ के नीचे आम पड़े हैं तो वो सारे के सारे आम समेटता है और लेकर निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद उन भाइयों की आपस में मुलाकात होती है, आपस में मिलते हैं तो बातों बातों में पता चलता है कि वो बराबर हिस्सों में आम लेकर गए थे यानी कि वो बराबर हिस्सों में आम लेकर जाते हैं। तो बताना ये है कि पेड़ के नीचे कितने आम गिरे थे और सब ने कितने कितने आम लिए थे, जवाब कमेंट में लिखें और आपका नाम जो सबसे पहले और सही जवाब देगा उसका नाम अगली जो जवाबी वीडियो है उसमें अनाउंस किया जाएगा। और अभी चूँकि शुरुआत है, अभी आगाज़ है तो अभी तक इनाम तो नहीं होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनाम भी रखा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों एक आपको बात बताते चलो कि बहुत पहले मैंने एक किताब लिखी थी और उसमें एक शेर लिखा था, इलाही अता कर मुझे सदाकतों के ऐसे चराग कि जिनकी रोशनी लेकर मैं नगर नगर जाऊँ, उसके बाद ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ, इल्म की रोशनी ज़माने में आम कर जाऊँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपको शेयर करना है, दिए से दिया जलाना है और इन्फॉर्मेशन को नॉलेज को लोगों तक पहुँचाना है। तो अपना ख्याल रखिएगा और उमर हसन साहिर को दुआ में याद रखिएगा। उमर हसन साहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट।